हाय, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इंडियन सिनेमा में जॉम्बी बेस्ड फिल्मों की भारी किल्लत है। रिकॉर्ड चेक करने पर गो गोवा गॉन और तमिल भाषा की मिरुथन जैसी फिल्में ही मिलती हैं। फिर उधर शाहरुख खान है, जिन्होंने जीरो के बाद कोई फिल्म ही अनाउंस नहीं किया है अपनी, लेकिन वो दनादन कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। उनकी इसी लिस्ट में एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी है जो जॉम्बी हॉरर जॉनर की है। सीरीज का नाम है बेताल। ये नाम इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बिल्कुल देसी है, वो कैसे ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस सीरीज में जुड़ी वो तमाम बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए वो सब। पहली बात, ये सीरीज आज के समय में भारत के एक दूर दराज गांव में घटेगी। होता ये है कि इस गांव में तकरीबन 200 साल पुराना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर अपनी जॉम्बी आर्मी के साथ आ जाता है। वो गाँव वालों का खून पीना चाहता है। गाँव वालों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। वहाँ पुलिस जॉम्बी से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कुछ खास नुकसान नहीं कर पाती। अब गाँव वालों के सर्वाइवल का सवाल है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे इंसानों से लड़ रहे हैं जो ना तो जिंदा है ना ही मरे हैं। दूसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस सीरीज का नाम, जो कॉन्टेंट के हिसाब से काफी ऐप है। 1998 में दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी, विक्रम और बेताल। इसमें विक्रम एक राजा था और बेताल एक भूत। शाहरुख वाली नेटफ्लिक्स सीरीज का नाम उसके टाइटल कैरेक्टर पर रखा गया है। उस कैरेक्टर का नाम है बेताल। बेताल का काफी कूल इंटरचेंजेबल यूज। तीसरी बात, इस फिल्म की कास्टिंग बड़ी होगी, क्योंकि लीड जॉम्बी के अलावा गांव वालों का रोल भी सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये उन्हीं के सर्वाइवल की कहानी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेताल में मुक्काबाज फेम विनीत सिंह और लिपस्टिक अंडर माय बुरका वाली आहाना कुमरा मेन किरदारों में नजर आ सकते हैं। अच्छा, ऑफिशियल लीड कास्ट अभी अनाउंस होनी बाकी है। चौथी बात, इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्राहम। पैट्रिक मराठी फिल्मों के डायरेक्टर निखिल महाजन के साथ मिलकर इस सीरीज को डायरेक्ट करेंगे और लैला सीरीज की कहानी लिखने वाली सुहानी कंवर पैट्रिक की राइटिंग पार्टनर है। इससे पहले आई राधिका आप्टे और मानव कॉल स्टारर हॉरर सीरीज घोल को भी पैट्रिक ने ही डायरेक्ट किया था। पांचवी बात, नेटफ्लिक्स इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान लॉन्च करने से लेकर लोकल कंटेंट बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने अभी बेताल के साथ 5 ओरिजिनल इंडियन प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट भी की है। ये प्रोजेक्ट्स हैं माई, जो अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन में बनेगी, बॉम्बे बेगम्स, मसाबा मसाबा और मेसी। बेताल शाहरुख खान की प्रोडक्शन रेड चिलीज के अंडर बनने वाली है, तीसरी नेटफ्लिक्स सीरीज है। और इससे पहले शाहरुख खान इमरान हाशमी की बार्ड ऑफ ब्लड और बॉबी देओल की क्लास ऑफ 83 में पैसा लगा चुके हैं। बार्ड ऑफ ब्लड 27 सितंबर को रिलीज हो रही है और बॉबी की जो सीरीज है उसकी शूटिंग अभी चल रही है। अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कब आएगी। बेताल की जो रिलीज डेट है ऑफकोर्स वो भी बताई नहीं गई है, ये अनाउंसमेंट फेज में ही है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है जरूर हमें कॉमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया फेसबुक पर तो वो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके एक छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।